हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमास किचन वन सेकेंड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ काला चना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्रेशर कुकर में बहुत ही आसान तरीके से हम ये काला चना कारी बना करके तैयार करेंगे। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट बनता है। चावल, रोटी, पूरी या पराठा के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू माय मस्क किचन टू प्रिपेयर ब्लैक चना कारी। इसे बनाने के लिए हम एक कप काला चना ओवरनाइट भिगो के रखे हैं, जिसका वजन लगभग 100 ग्राम है। भीगी हुई काला चना को हम अच्छी तरह धो करके रखे हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम तेल में 1 सूखा लाल मिर्च, 1-2 तेज़पत्ता और 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और इसके साथ 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 2 इंच स्टिक दालचीनी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को करीब 30 सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। तीस सेकेंड्स बाद हम प्रेशर कुकर में एक बड़ा सा प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखे हैं। प्याज भून गया है। अब हम प्रेशर कुकर में 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। करीब 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आप एक बड़ा सा टमाटर चॉप करके ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अच्छे से मिला देंगे और प्रेशर कुकर को ऊपर ऊपर से इस तरह ढक करके 2-3 मिनट रख देंगे। 2 मिनट बाद ये देखिए, टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब हम 1/3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से ग्रेवी में बहुत अच्छा रंग आता है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं की है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद हम ब्लैक चना ऐड कर देंगे। मसाला के साथ ब्लैक चना अच्छी तरह मिला देंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जिस कप से हम ब्लैक चना मेजर किए थे, उसी कप का 3 कप पानी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आपको जैसा चाहिए, आप पानी उसके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक बार मिक्स कर देंगे। आप प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 व्हिसल्स आने तक पकाएंगे। पांच व्हिसल्स के बाद हम गैस बंद कर देंगे और प्रेशर ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने तक वेट करेंगे। 10-15 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए, हमारा ब्लैक चना ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। ग्रेवी अगर कम रखना है तो आप पानी थोड़ा कम डालें। जैसे मैंने 3 कप डाला, आप 2.5 कप डाल सकते हैं। चना कितना अच्छी तरह पक करके तैयार है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब हम प्रेशर कुकर में 1/2 छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऑप्शनल है। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच चॉप्ड धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। मिला देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम गरम गरम
चावल या रोटी के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप प्रेशर कुकर में व्हिसल से पहले 3 कप के बदले में 2 या 2.5 कप पानी ऐड करें। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट काला चना बनकर के तैयार है। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।